दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आज अपना पर्चा भरेंगे। आपके 6 उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, पूर्वी दिल्ली से अतिशी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गुगन सिंह, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली से राघव चड्ढा आज अपना पर्चा भरेंगे। नई दिल्ली से ब्रजेश गोयल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि लगभग महीने भर की गठबंधन के कयासों के बीच आम आदमी पार्टी ने आज नामांकन भरने का फैसला ले लिया है और आज नामांकन किया जाएगा। और साफ तौर पर हमने गोपाल राय को आपको सुनवाया था, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एक बार हम नामांकन कर देंगे, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। गठबंधन आज होता है या नहीं होता, ये अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगर एक बार हम नामांकन कर देते हैं तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आपने गोपाल राय से बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक बार अगर हम नामांकन दाखिल कर देंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अब गठबंधन पर फुल स्टॉप नजर आ रहा है लगता हुआ। बिल्कुल, अब लग रहा है कि इस गठबंधन की तमाम जो अटकलें हैं, जो गठबंधन की जो बातचीत दोनों पार्टियों के बीच में हो रही थी, उस पर अब पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो 6 उम्मीदवार है जिन्होंने अभी तक अपना नॉमिनेशन नहीं किया था और जिनका नॉमिनेशन 20 तारीख को होना था, लेकिन गठबंधन को लेकर कांग्रेस धोखा देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का जो नामांकन था वो पोस्टपोन करके 22 तारीख यानी आज की तारीख जो है उनके नॉमिनेशन की नई तारीख तय की थी। और अब उससे कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी के जो 6 के 6 कैंडिडेट है वो अपना नॉमिनेशन भरने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से रवाना होना शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे का टाइमिंग है कि 9:30 बजे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद जो वहाँ का लोकल DC दफ्तर है या CM दफ्तर है वहाँ पर जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी है कि अगर एक बार उनके उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन कर दिया तो उसके बाद नाम वापस लेने की कोई संभावना नहीं है और ना ही पार्टी का कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन नहीं हो रहा। बिल्कुल कुलदीप, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि अब इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में जिसके साथ ये गठबंधन करने जा रहे थे अब उसी के खिलाफ ही पोल खोल अभियान की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा ये अभियान होने वाला है, क्या रूपरेखा है इस अभियान की? हाँ बिल्कुल, देखिए कल ही आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से गठबंधन नहीं हुआ है तो उसका टीका आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर फोड़ा और कहा कि आम आदमी पार्टी ने कई बार कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश की, कांग्रेस की कई शर्तें मानी, लेकिन उनकी तमाम शर्तों को ना सिर्फ कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया बल्कि जो कमिटमेंट बातचीत के दौरान गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से किए गए थे उन पर भी पार्टी ने यू टर्न लिया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी जो है अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन की बातचीत को लेकर यू टर्न का आरोप लगा दिए, तो दोनों पार्टियां जो है गठबंधन ना होने का ठीकरा एक दूसरे के तरफ पर फोड़ रही है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अब ये तय किया है कि वो कल से यानी सोमवार से कांग्रेस के खिलाफ एक पोल खोल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पोल खोल अभियान में आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों को यही बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कांग्रेस ने उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को हराने वाले गठबंधन को करने से इनकार कर दिया। तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी लोकसभा में बीजेपी को टारगेट पर रखेगी बल्कि पर कांग्रेस भी होगी। बिल्कुल, अगर कुलदीप इन उम्मीदवारों की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली से अतिशी एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो लगातार कैंपेनिंग करती रही, हालांकि अटकलें बनी रही गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन अतिशी एक ऐसी उम्मीदवार रही जो लगातार कैंपेनिंग करती रही, जनता के बीच जाती रही, तो क्या बाकी उम्मीदवारों की तैयारी है? क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, सारा समय कहीं ना कहीं गठबंधन की रूपरेखा तैयार करने में लग गया जो आखिरकार नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कम वक्त मिला हो। आम आदमी पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम पहले से ही काफी पहले घोषित कर दिए थे। करीब 1 महीना पहले उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका था। सिर्फ एक सीट थी वेस्ट दिल्ली की जो उन्होंने सबसे बाद में उस पर अपना उम्मीदवार घोषित किया, हालांकि उनको भी प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के मुकाबले में काफी टाइम मिला। हमने देखा कि बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की लिस्ट कल ही जारी हुई है, कांग्रेस की लिस्ट का अभी तक इंतजार है, तो उनसे उस तरफ से कौन मैदान में उतरेगा इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवार दोनों पार्टियों से पहले ही उतार दिए थे और
आम आदमी पार्टी दो रणनीति पर काम कर रही थी। एक तो ये कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन के लिए उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस से लगातार गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर जो उनके कैंडिडेट थे वो लगातार जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।